और हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एक ऐसे क्वांटिटी से है जो सबसे पहली बात जो मेजर किया जा सके, और मेजर ही नहीं किया जा सके बल्कि उनको मेजर करने के लिए एक एप्रोप्रिएट SI यूनिट भी बनाया गया है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यही नहीं, वो क्वांटिटी का इस्तेमाल ये है कि जितने भी फिजिक्स में जो भी नेचुरल लॉज हैं और जो नेचुरल लॉज को एक्सप्लेन करने में जो काम आए, हम लोग उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो जो सबसे पहला जो भाग होता है वो कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो किसी दूसरों की सहायता से बनाए नहीं जा सकते हैं। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और इनका टोटल नंबर 7 होता है। इसमें सबसे पहला आता है लेंथ, दूसरा आता है मास और तीसरा आता है टाइम। तो इन तीनों का अगर SI यूनिट देखा जाए तो लेंथ का SI यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड होता है, क्योंकि इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग पूरा कंप्लीट मैकेनिक्स में करते हैं, और इसलिए मैकेनिक्स के लिए यही तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, और इसका यूनिट एम्पियर होता है। इसके बाद ल्यूमिनियस, इंटेंसिटी कैंडेला होता है। इसके बाद एक है टेम्परेचर, इनका केल्विन होता है। और लास्ट में आता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, तो इनका जो है वो मोल आता है। तो इस तरीका से हम देखते हैं कि कुल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, इन तीनों का इस्तेमाल मैकेनिक्स में होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और ये सारे इनके SI यूनिट दिए गए हैं। तो ये तो हुआ बनावट के आधार पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 7 के अलावा 2 और भी यूनिट यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला आता है प्लेन एंगल, और दूसरा में आता है सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है इनका यूनिट रेडियन और इसका अष्टरेडियन दिया गया है। हालांकि ये कोई भी दोनों SI यूनिट नहीं है, बल्कि हम लोग इसको सप्लीमेंट्री यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का डिफिनीशन है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यानी ध्यान दें, इसका भी SI यूनिट मीटर है और इसका भी SI यूनिट मीटर है, तो कैंसिल हो करके ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। तो सोचो, जब एंगल यूनिटलेस क्वांटिटी है उसके बावजूद भी इसका यूनिट क्या दिया गया है, रेडियन। इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियन और अष्टरेडियन है इनको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम लोग स्पीड को ले लें, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो डिस्टेंस है ये एक प्रकार का लेंथ है, और टाइम तो टाइम ही है। तो हमने क्या देखा, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके स्पीड बना हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पीड लेंथ और टाइम दोनों से डिराइव हुआ है। इसीलिए स्पीड का जो SI यूनिट होगा वो मीटर
बाई सेकेंड होगा, क्योंकि लेंथ का मीटर टाइम का सेकेंड, यानी इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन के हिसाब से दो प्रकार का कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर आ सकता है। एक सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होता है, और दूसरा जिनको हम लोग वेक्टर कैलकुलेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक कैलकुलेशन में 3 और 2 इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एग्जैक्टली 5 आता है, लेकिन जो वेक्टर होते हैं तो वेक्टर में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और हमें इन दोनों को जोड़ना है, जिनका जोड़ने का रिवाज ये है कि 3 और 4 से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, और जो हाइपोटेनियस आता है इसी हाइपोटेनियस को हम लोग इनका जोड़ कहते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 और 4 से 5 आएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस यहाँ पर 3 है, अल्टीट्यूड यहाँ पर 4 है, तो हम लोग हाइपोटेनियस को 5 कैलकुलेट करेंगे। मतलब वेक्टर में 3 और 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 आता है, जबकि स्केलर में 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो क्योंकि कैलकुलेशन हमारा दो प्रकार का होता है कि एक अलजेब्रिक और एक वेक्टर, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी अलजेब्रिक कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग स्केलर कहते हैं, और जो भी क्वांटिटी वेक्टर कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं उनको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ऐसे स्केलर में देखा जाता है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड पाए जाते हैं, जबकि जनरली वेक्टर में हम लोग यह देखते हैं इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इसमें होता है, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है और उनके ऑपरेशन के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है उन्हें हम लोग स्केलर बोलेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं और इसके अलावा इनका जोड़ या घटाव वेक्टर के नियम के तहत होगा उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। उदाहरण के तौर पर ये एक बॉक्स ले लें और हम लोग देखते हैं कि अगर 3 न्यूटन का आगे की ओर फोर्स लगाया जाए और 4 न्यूटन का ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाए, तो हम लोग देखते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट होगा ना तो 3 न्यूटन की ओर मूव करेगा ना ही 4 न्यूटन की ओर मूव करेगा, बल्कि ये इन दोनों के बीच में जो हाइपोटेनियस का डायरेक्शन है जो कि 5 न्यूटन आएगा, ये इसी के डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि यहाँ पर जो न्यूटन की बात हो रही थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, क्योंकि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन इन दोनों को नेट रिजल्टेड कितना आ गया, 5 न्यूटन, और यहाँ पर वेक्टर के नियम का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जो फोर्स यहाँ पे होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। हम लोग ले लेते हैं 10 एम्पियर एक करेंट है, मान लेते हैं ये दो भागों में बट जा रहा है, सॉरी मान लेते हैं ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर करेंट बह रहा है, और इनका रिजल्टेड हम देखते हैं तो 7 एम्पियर आता है। हम ये भी देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो 4 एम्पियर है अभी 90 डिग्री पर है, अगर हम लोग इसका एंगल को बदल दें, ठीक है एंगल को बदल दें, तो पर भी रिजल्टेंट क्या आता है, 7 एम्पियर आता है। मतलब इसने क्या किया, इसने सिंपल अलजेब्रा का जो रूल है उसको फॉलो किया है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने जोड़ के दौरान अलजेब्रा के नियमों का फॉलो किया, इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सीधी सी बात है, अगर वेक्टर क्वांटिटी होना है तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो जुड़ने के लिए वेक्टर के नियमों का पालन